Good afternoon, students. I am Avit Kumar Anu, your English teacher. So let's start the next chapter of your reader section. That is the poem, The Free Man. Chapter 4, The Free Man. The poet is Robert Burns. Robert Burns. So let's start the poem. I have a penny to spend. Penny मतलब पैसा. मेरे पास पैसा है spend करने के लिए. ठीक है? Penny मतलब यहाँ पे पैसा. So I have a penny to spend. मेरे पास पैसा है spend करने के लिए. There thanks to nobody. किसी को thank करने की जरूरत भी मतलब शुक्रिया करने की जरूरत भी नहीं है. आई हैव नथिंग टू लेंड मतलब आई हैव नथिंग टू मतलब किसी को मुझे कुछ देना भी नहीं है पैसा. और आई विल बोरो फ्रॉम नोबडी और किसी से कुछ पैसा लेना भी नहीं है मतलब कोई चीज किसी से मुझे लेना भी नहीं है. आई एम नोबडीज लॉर्ड मैं किसी का गुलाम नहीं हूं मैं खुद ही राजा हूं. आई विल बी स्लेव टू नोबडी मैं किसी का गुलाम नहीं हूं. आई हैव ए गुड ब्रॉड शोल्ड मेरे पास बड़ा सा एक अच्छा सा तलवार है. आई विल टेक ब्लोज फ्रॉम नोबडी मुझे किसी को दुख पहुंचाना भी नहीं है मतलब मैं किसी को मारूंगा भी नहीं. आई विल बी मेरी एंड फ्री मैं हमेशा खुश रहता हूँ और फ्री रहता हूँ. आई विल बी सैड फॉर नोबडी मैं किसी से खफा भी नहीं हूँ और ठीक है. नोबडी केयर्स फॉर मी कोई मुझे केयर भी नहीं करता है. आई केयर फॉर नोबडी और मैं किसी का केयर भी नहीं करता. कोई मेरा केयर भी नहीं करता है मैं किसी का केयर भी नहीं करता. ठीक है. सो दिस पोएम इज अबाउट अ फ्री मैन. ही हैज अ पेनी टू स्पेंड बट ही डोंट से एनी थैंक यू टू नोबडी. ही इज ओन स्लॉट. ही विल नॉट बी स्लेव टू एनीबॉडी. ओके मतलब वो अच्छा है बहुत ही अच्छा है. वो अपने हिसाब से रहता है अपने हिसाब से चलता है. हाँ वो किसी का गुलाम नहीं है. वो जैसा रहता है वैसा रहता है. सब हमेशा खुश रहता है और किसी को दुख पहुंचाना उसका काम नहीं है. तो ठीक है तो ऐसा ही है. इसका नाम है फ्री मैन. तो यही है पोएम. ठीक है तो तुम्हें आई थिंक और पोएम नहीं है. हाँ तो तुम्हें क्या करना है तुम्हें अपने अपने रीडर कॉपी पे चैप्टर का नाम लिखना है. द फ्री मैन फर्स्ट फोर लाइन पोएम तुम्हें अपने कॉपी पे लिखना है. फर्स्ट फोर लाइन पोएम्स अपने कॉपी पे लिखना है. पोएम का नाम दोगे उसके बाद कॉपी पे चार लाइन पोएम लिखोगे. पोएट का नाम लिखोगे और उसके बाद ए वर्ड मीनिंग देख रहे हो ना ए वर्ड मीनिंग तुम्हें अपने कॉपी पे लिखना है अच्छी तरह से. ठीक है यही है तुम्हारा होमवर्क. अगर कोई हार्ड वर्क हुआ आ रहा तो मैं हार्डवर्क बाद में दे दूंगा. ठीक है हार्डवर्क मैं शाम को 6:30 बजे दे दूंगा. अगर कोई हार्डवर्क रहा तो मैं दे दूंगा. अगर हार्डवर्क नहीं है तो हार्डवर्क नहीं दूंगा. ठीक है लेकिन तुम्हें काम करना है पोएम का नाम लिखना है चार लाइन पोएम लिखना है और ये वर्ड मीनिंग अपने अपने रीडर कॉपी पे लिखना है. ठीक है ओके थैंक यू.